गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स. इन लास्ट क्लास वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 8, अ हाउस टू लिव इन. मैंने लास्ट क्लास में आपको चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था, जिसमें रोहन ने अपने हाउस के बारे में कुछ डिस्कस किया है. ये जो बच्चा है ये रोहन है, ठीक है, और ये इसका घर है. ये रोहन है, ये इसका घर है. इसके घर के आगे बगीचा है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं. रोहन उनमें पानी भी देता है. और ये उसके बैक में घर के पीछे का गार्डन है जिसमें वो सब्जियों का बगीचा उन्होंने लगा रखा है. फल भी हैं और सब्जियां भी है, ठीक है. इसके बारे में उन्होंने बताया था अपने में. उसके बाद उसने ये अपने ड्राइंग रूम के बारे में बताया था. ये इनका ड्राइंग रूम है जिसमें सोफ़ा है, टीवी पड़ी हुई है, टीवी रखी हुई है, और जो भी कोई गेस्ट आता है वो अपने गेस्ट रूम में बिठाते हैं और टीवी भी वहीं बैठकर देखते हैं. इतना मैंने लास्ट क्लास में आपको करवा चुकी हूँ. आज आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब देखिए, दिस इज़ रोहन, दिस इज़ माई स्टडी रूम. मी एंड माई सिस्टर रीड एंड डू आर होमवर्क हियर. ये इसका स्टडी रूम है रोहन का, और ये इसकी सिस्टर है, और दोनों स्टडी रूम में बैठकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और वर्क, अपना होमवर्क जो होता है वो स्कूल का, इसी में वो करते हैं, ठीक है. उसके बाद है, दिस इज़ किचन. ये रोहन की किचन है. दिस इज़ आर किचन. माई मदर कुक्स फूड इन द किचन. और उसकी मम्मी खाना कहाँ बनाती हैं? इस किचन में बनाती हैं. आई हेल्प माई मदर इन द किचन. और किचन के कुछ कामों में रोहन भी उनकी हेल्प करता है, ठीक है. उसके बाद है, दिस इज़ माई बेडरूम. ये रोहन का बेडरूम है. दिस इज़ बेडरूम, ठीक है. आई रेस्ट एंड स्लीप इन माई बेडरूम. और जो रोहन है वो सोते हैं और रेस्ट कहाँ करते हैं? अपने बेडरूम में. आई कीप माई बेडरूम नीट एंड क्लीन. और वो अपना रूम कैसा रखता है? नीट एंड क्लीन रखता है. वी ऑल ईट टूगेदर इन द डाइनिंग रूम. ये डाइनिंग रूम है. डाइनिंग रूम वो होता है यहाँ पर वो लोग बैठ कर खाना खाते हैं, और वो सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं. टुगेदर मीन्स एक साथ. आई हेल्प माई मदर्स इन द क्लीनिंग द डाइनिंग टेबल. और वो अपनी मदर की हेल्प किस में करता है? डाइनिंग टेबल को साफ़ करने में भी वो उनकी हेल्प करता है, ठीक है. दिस इज़ सॉरी, आर हाउस हैज़ अ बाथरूम फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ. ये रोहन का बाथरूम है. और वो इसमें क्या करता है? नहाता है, और अपने कपड़े भी वो लोग बाथरूम में ही धुलते हैं, ठीक है. ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों. और अब आगे की क्लास में आपको मैं आपकी बुक एक्सरसाइज और कॉपी का जो वर्क है उसको सेंड करूँगी. और ये वाला अगर चैप्टर आपको समझ नहीं आया है तो ये वीडियो आप बार बार में देखेंगे और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है. ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.